इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना से सटे मनेर में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट रही है। वही बता दें, मृतक युवक की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के सराय शत्तर गांव निवासी पिंटू शाव के पुत्र 19 वर्षीय आनंद कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बेहद ही बुरा हाल है। वही मृतक के परिजनों ने बताया कि रुपए को लेकर कुछ ही दिन पहले दोस्तों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, इसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा एवं मनेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। हत्या का प्रथम दृष्टया मामला रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या का मामला जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ मनेर से आनंद मोहन की रिपोर्ट। दीपक मिला हुआ है, मुन्ना है, लक्ष्मण गोपालपुर के लक्ष्मण है। तीनों बुक्की खिलाता है और पैसा कर्जा में डुबवा के उसको मरवाया आज रात के। आज 12 बजे रात के मुन्ना यहाँ पर निकला हुआ था, तो मेरा भैया आया था, तो उसको फोन से कहा है कि मुन्ना की आए लक्ष्मण सुन से, तो तीनों आगे गोली मारा भैया का। कौन है ये लोग, आपस में क्या लगते हैं? जैसे कि पहले दोस्त ही लोग हैं, तो मतलब पैसा उसे दिया था मोबाइल के लिए, तो वही मतलब नहीं दिया ना पैसा था, वो भी पैसा लिया था, मेरे भैया पैसा लिया था। एक दोनों लड़ाई किया था दीपक की सुना, तो बीच में दीपक को बोला ना कि पैसा नहीं दे रहा है, तो दीपक भैया को मारा था। तो फिर मारने के बाद फिर मुन्ना से प्लान बना लिया कि इसको नहीं देगा पैसा, इसको जो उठवा लेंगे। कहाँ गोली लगी है? गोली लगा यहाँ पर, सीना पर गोली लगाया। कौन है आपका वो भाई? है मेरा। आपका नाम बताइए। अमन कुमार है मेरा। मृतक का नाम? अनंत कुमार था। सुबह मनेर थाना अंतर्गत एक 70 गांव है, उसी गांव में एक युवक आनंद कुमार को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजन के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। घटना की जांच की जा रही है, जो भी इसमें शामिल होगा उसे जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मृतक को गोली कहाँ लगी? सीने में लगी है गोली, एक गोली लगी। घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है, एक मोबाइल बरामद हुआ है। FSL टीम आ रही है, उसकी जांच की जाएगी। हत्या का रीजन क्या है, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? कोई परिजन का आरोप है जो कुछ पैसे का लेन देन के था, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं जो वास्तविक में हत्या का क्या कारण था।